को दस्त लग रहे थे, वो बेडरिडन था, बिस्तर पकड़ा हुआ था, और एक नर्स को बोला गया कि दवाइयां दे दे, तो सर एक लोकलाइज मेडिसिन होती है, तो लोकलाइज मेडिसिन में से गलती से मेडिकल स्टोर वाले ने एक ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे नींद आती है, और उसको दो मेडिसिन खिला दी गई। अब उसकी दस्त तो ठीक नहीं, उल्टा क्या हुआ, वो लगभग लगभग 36 घंटे के लिए सो गई। वो वैसे ही एक कोमॉर्बिडिटी वाली पेशेंट थी, परेशान थी, उसको दस्त भी लग रहे थे और उसको 36 घंटे के लिए सुला दिया। तो जनरली यही होता है जो अभी आशीष जी ने किया। आपको पता तो है कि यदि किसी की सांसें रुक जाए, धड़कन नहीं आ रही, तो हमको सीपीआर देना है, पर सीपीआर कब देना है, कैसे देना है, कितनी देर के लिए देना है, किस जगह पे देना है, सर प्रेशर कहां देना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बंदूक हाथ में पकड़े हैं और आप ट्रिगर ना लगा करके ऊपर का हैंडल बार बार एंगल प्रेस करते रहेंगे तो उससे बंदूक नहीं चलने वाली। इन द सेम मैनर यदि सीपीआर देना है तो सीपीआर देने की जगह क्या होनी चाहिए निर्धारित कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर है, क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ ताली बजा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा है ना। बहुत सारी बातें इस तरीके वाली होगी। इस वक्त हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद है, जैसे सर का नाम क्या था, किसी ने ध्यान दिया हो तो, डॉक्टर अखिलेश दुबे सर। सर का नाम क्या है सर? संजय मिश्रा सर, संजय जैन सर, डॉक्टर संजय जैन सर। यहां पर एक हमारे बीच में बैठे सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अंकुर गुप्ता। तो अब आपको याद रखना है कि यदि आपको कोई बचा सकता है इससे, तो एक ही चीज बचा सकता है, वो है डॉक्टर। लेकिन इस डॉक्टर का नाम है ए बी सी। सभी बोले साहब के डॉक्टर ए बी सी, बोलेगा डॉक्टर ए बी सी, बोले वैसे बोले डॉक्टर ए बी सी, डॉक्टर ए बी सी। अब मैं बताता हूं डॉक्टर ए बी सी क्या होता है, मैं माइक छोड़ देता हूं क्योंकि माइक पकड़ लूंगा तो बाकी सारी चीजों पर ध्यान दी जाएगी। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं माइक में से माइक में आगे बोलेगा। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एबीसी की। कभी भी किसी को हार्ट अटैक आता है, ये कैमरा दिखा तुम्हारा है क्या आशीष जी? इसको जरा समझ लो, मुझे लग नहीं रहा, मैं ऐसी रखा। कभी भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो मैं सबसे पहले एक डॉक्टर को याद करना, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर्स ए बी सी, जिसमें सबसे पहले डी, फिर आता है आर, फिर आता है एस, फिर आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी। यदि आपने ये 6 अक्षर समझ लिए तो आपको पता है कि सीपीआर कब देना है, कहां देना है, कैसे देना है। सबसे पहला स्टेप जिसमें मैंने बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति यहां पर अचानक से बेहोश हो गया, जैसे भाई साहब थे, भाई साहब यहीं पर बेहोश हो गए। अब हम इनको यहीं पर, हमको पता है कि सीपीआर देते आता है, हमें हीरो बनना है, हमने कहा लेट जा भाई तू, मैं आज तुझे सीपीआर दूंगा, मैंने कुछ नहीं देखा और यहां धप 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 दबाना चालू कर दिया। तो क्या ये सही जगह है? मान लीजिए अभी कोई 20 सड़क में गिर गया है और 20 सड़क में आप उसे सीपीआर देना चालू कर दे, तो कहो सीपीआर से उसकी जान बचना तो दूर की बात है, सामने से एक ट्रक आया वो तो गया ही गया था, आप भी, तो वो सही जगह है। तो सबसे पहला स्टेप होता है डी फॉर डेंजर, बोले डी फॉर डेंजर, सारे फिर से डी फॉर डेंजर। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि जो भी व्यक्ति जहां पर है उसे हमें सेफ जोन पे लेके आना है। ऑटो मरीज ऐसे आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमको 2-3 लोगों को पकड़ना है, उनको बोलना है कि उसे सेफ जोन पे लाए। मान लीजिए कि वो मरीज है, हमने उसे सेफ जोन पे ले आया, क्लियर है? अब सेफ जोन में लाने के बाद भाई वो बेहोश हुआ है, हमें नहीं पता कि बेहोश हुआ है कि मर गया है। हमने हाल ही में देखा है सर क्यों इस जगह पे, इसके पहले जैसे अभी नायडू जी ने बताया कि हमने एसपी ऑफिस में दिया, हमने किसी और पुलिस स्टेशन में जाकर के दिया, हम कई जगहों पे सीपीआर की ट्रेनिंग दे चुके हैं। हम पुलिस वालों पे इसलिए पहले ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहला नाम यदि सहायता के लिए किसी का होता है, मेरे ख्याल से तिवारी फाउंडेशन ने भी इसलिए आप लोगों को पहले चुना, तो हम सबसे पहले पुलिस की तरफ देखते हैं। तो पुलिस वालों को बहुत जरूरी है ये चीज पता हो, हम कैदी भाइयों को भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारी चीजें पता हो। तो हमने डी से डेंजर साइड से उनको उठा करके सेफ जोन पे रख दिया, फिर आर इज फॉर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब क्या वो हमें हमारी बातों का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमको इसको दोनों कंधों से पकड़ के हिलाना, भाई साहब, भाई साहब रमेश कैसे हो। मान लो इसने आवाज नहीं दी तो मैंने कहा डी आर एस डॉक्टर्स, एस इज फॉर शाउट, हमें चिल्ला के आवाज देनी है मदद के लिए क्योंकि हो सकता है यहां पर आप एक अकेले हो। आशीष ने बोला कि हम सबसे पहले वॉकी टॉकी के माध्यम से निकटतम सहायता को बुलाएंगे, तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति होगा आपको उसको सहायता के लिए बुलाना है कि कृपया कर आप आ जाए, यहां कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, लगता है कि इसकी पल्स मिल रही, हो सकता है बेहोश नहीं, इसको हार्ट अटैक आया, हमें तुरंत बुलाना है, कॉल फॉर हेल्प, एम्बुलेंस के लिए आवाज दे दे। एक व्यक्ति एम्बुलेंस को बुलाता रहेगा, दूसरा व्यक्ति तब तक इसको देखेगा। फिर हम आते हैं ए पे, ए इज फॉर एयरवे,
जनरली जब भी व्यक्ति गिरता है, बेहोश हो जाता है, उसके जो सांसों का माध्यम है श्वास नली है, उसे हमें स्ट्रेट करना है, चेक करना है क्या वो सांस ले रहा है। गर्दन उसकी हल्के से पीछे करें, उसका एयरवे चेक करें कि क्या वो सांस ले रहा है कि नहीं रहा है। बी इज फॉर ब्रीदिंग, हमेशा हमें उसकी ब्रीदिंग किस तरीके से चेक करनी है। आप अपने कान को उसके नाक के पास लेकर के जाएं, हल्का सा चेस्ट राइज देखें कि क्या इसका चेस्ट ऊपर उठ रहा है सांस लेते वक्त, उसकी हवा आपके चेहरे पे आपके कानों पे महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो आपको उसकी पल्स देखनी होती है। पल्स जनरली हम किस तरीके से देखते हैं, टेबल उठाते हैं यहां पर रखते हैं, रखो यहां पे, महसूस हो रही है इस जगह पे। पर यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, उसकी पल्स वीक हो गई है, तो उसे यहां पे पल्स महसूस नहीं होगी, यहां कभी महसूस नहीं होगी। खड़े हो रही है सर, उसको पल्स कहां महसूस होगी, आपकी गर्दन हल्की सी ऊंची करके यहां पे महसूस होगा, यहां लगाओ हाथ, हाथ छोड़ो सीधा, हुआ महसूस। ये एक ऐसी जगह है, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। यहां पर जब आप उंगली लगाएंगे तो आपको लबलब लबलब महसूस होगा। सब अपनी तीन उंगलियां उठाएं, यहां पर टच करें, महसूस होगा सर मैम, यहां लगाइए, हो रहा है महसूस, तो सबको ये महसूस होगा कैरोटिड पल्स है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा, मान लीजिए आपको पल्स नहीं हो रही मिल रही है तो आपको तुरंत सीपीआर परफॉर्म करना है। अब सीपीआर परफॉर्म करने का तरीका बहुत सिंपल है, सब अपना जो भी डोमिनेंट हाथ जिससे हम काम करते हैं उसको आगे करें, किसी का उल्टा हो सकता है, किसी का सीधा हो सकता है जिससे आप सारे काम करते हो, तो ये हमने आगे किया। दूसरा हाथ उसके पीछे ऐसे मुट्ठी बांध लेगा, बांधिए, और फिर उसके बाद हमको नीचे झुकना है। इस व्यक्ति के ये जो दो निप्पल्स हैं कहां देना होता है, जैसे आशीष जी से हमने बोला, आशीष जी ने यहां पर प्रेस किया, यहां नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप करेंगे इन दोनों निप्पल्स के बीच में, टेक्निकली मैं आपके वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, मैं ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको समझ में आए। इन दोनों निप्पल्स के बीच में आप यहां पर देखिएगा, इस जगह पे आपको प्रेस करना होगा, उस हाथ से प्रेस करना होगा जो डोमिनेंट हैंड है जिससे आप सारे काम करते हो, और दूसरा हाथ पीछे जाएगा। और प्रेस किस तरीके से करना है आपको, इसको पैरेलल लेके आए, घुटने आपके बीच में होने चाहिए, इस तरीके से करेंगे, कोहनियां आपकी स्ट्रेट करिए सारे, ऐसे कोहनियां एकदम सीधी होनी चाहिए, नीचे आप झुके और झुक कर 1 2 3 4 5 6 7 सब खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, एक एक हाथ का गैप ऐसे कर लो, कमाल शाबाश, नीचे झुको आगे मेरी तरफ, और मान लो कि आप सीपीआर दे रहे हो, 3 2 1 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितनी बार करना है आपको, 30 बार, कितनी बार करना है, 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 100 बार, बोलो 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 100 बार करना है, और इसके कम से कम 3 सेट आपको रिपीट करने हैं लगातार, ठीक है। और 3 सेट कैसे, 3:30:2, 30 बार आपने प्रेस किया, गर्दन हल्की से इसकी सीधे की, इसका मुंह ऐसे किया कि आपके मुंह से उसके मुंह तक के श्वास जा सके, साइड से एयर लीक ना हो, और ऐसे करके 2 बार सांस देनी है। बैठ जाइए, अभी हाल ही में आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि एक जिम में काम कर रहा एक्टर जो काफी फिट था, उसको हार्ट अटैक आया और वो मौके पे खत्म हो गया। हमने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा जहां पर जिम में एक एक्टर एक्सरसाइज कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गया। फिर हमने देखा कि एक जंगल में एक बंदर को करंट लगा, उस पर हृदय गति रुकी, एक पुलिस वाला आया और उसने उसे सीपीआर दिया, बंदर की जान बच गई। यहां तक हमने यह भी देखा कि हाल ही में एक सांप को श्वास न चलने पर एक जो रेंजर होता है उसने उठाया, उसने उसके जो हृदय पोषण होता है वहां पर प्रेस किया, उसे पानी पिलाया और उसकी श्वास चलने लगी, वापस एक्टिव हो गया। तो जब जानवर सांप इस टेक्निक से ठीक हो सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से सीपीआर देना है, क्लियर है। अब मुद्दा मैं आखिरी बार आपको एक बार फिर से बताऊंगा, आपको 30:2 के सेशंस लेना है, 30 बार 1 2 3 ऐसे प्रेस करना है। यह बात का ध्यान देना है कि जब आप इसको प्रेस कर रहे हो तो
तो प्रेस करते वक्त महज 2 इंच से 2.4 इंचेस, मतलब 4 से 6 सेंटीमीटर गहरा जाना चाहिए। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 30 बार देना है। तो 30 बार कैसे करेंगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे डाउट था कि ये टूटेगा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है। वैसे नहीं, सही तरीका यही है, अच्छा हुआ कि वो टूटा ताकि मैं सही तरीके से कर पाया। यहां पर हमको लेना है इस तरीके से और जल्दी जल्दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर गर्दन हल्की सी पीछे सर से दबाना है, इसको खोलना है, 2 बार श्वास देना है। कोविड के टाइम पे श्वास की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब आप चाहें तो आप इस तरीके से सी बना करके फूंक सकते हैं मुंह में, ताकि उसका लंग्स वर्क करना स्टार्ट कर दे। इस प्रोसेस को हम CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। क्लियर है? सारी आवाजें आ रहा है समझ में? पक्का? अब सर आप ही आ जाइए, मैं एक एक करके आप लोगों से ट्राई करवाऊंगा, कुल 3 लोगों से। बताइए कैसे करना है। तो भाई उस